कहा था आप? बेकारन हूँ बस, ये सब खैरात नहीं चाहिए मुझे। तुम तो वही हो ना जो उस दिन? जी, उस दिन बेकारन के रूप में आई थी और आज ऐसे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आज आपने मुझे यहाँ तलब किया है। उस बहरूप की जरूरत क्या थी? बस बहुत अरमान था आपको और हवेली देखने का। खुदा ने दोनों ख्वाहिशें पूरी कर दी मेरी। वैसे बाकी सबके लिए ये राज ही अभी तक। दो में आमना रशीदा के थन? पता नहीं बीबी साइन जी, वो पीछे वाले हॉल की सफाई कर दी हो सन। माई बीबी छोटी साइन जी उन्हें दिन नाल ही हो सन जी, कल पीछे वाले हॉल की सफाई दा बोल रही सी। उधर ते किसी दा अनजान भी नहीं? तुमने पूछा नहीं मैंने तुम्हें यहाँ आने की बात को राज रखने का क्यों कहा था? मुझे इतनी खुशी थी यहाँ आने की कि कोई दूसरी बात जहन में ही नहीं आई। तुमने अभी कहा सिकंदर भाई तुम्हारे मोहसिन हैं, तो अगर मैं तुमसे तुम्हारे मोहसिन की खातिर कुछ मांगूं तो इनकार तो नहीं करोगी? आप मान कर तो देखें, मैं कब से किसी दासी की तरह आपके हुक्म के इंतजार में हूं। जिसे अपना मोहसिन समझती हो, अपनी जिंदगी का मालिक समझती हो, उसकी जिंदगी पर जिस हस्ती का सबसे ज्यादा हक है, उसी हस्ती की खातिर तुम सिकंदर भाई को आजाद कर दो। भूल जाओ तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई सिकंदर आया था। चेहरे से तो आप इतनी बड़ी सौदागर नहीं लगती, लेकिन सौदा करना खूब आता है आपको। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते, बड़ी कम कीमत लगाई है आपने मेरे जज्बात की। आज तुम्हारे पास पूरा इख्तियार और हक है, जो मांगना चाहती हो मांग सकती हो। चलिए ये आप पर उधार रहा। हाँ अगर दे सकती हैं तो फिर कुछ लम्हों के लिए मुझे वो एहसास दे दे जो एक शरीफजादी की रगों में पलता है, जहां सुहागन बनना उसका नसीब ठहरता है, लोग सदके वारी जाते हैं। बोलिए दान कर सकती हैं? चलती हूँ। और हाँ बेफिक्र रहें, अब मैं सिकंदर साईं से कभी नहीं मिलूंगी। अगर मेरे वजूद से उनको तकलीफ और अजियत मिलती है तो मैं ये अजियत खत्म कर दूंगी। अगर हो सके तो मेरा एक पैगाम पहुंचा दीजिएगा उन्हें। जिंदगी में मेरी आखिरी ख्वाहिश उनके कदमों को बोसा देना।